अय्यूब की पुस्तक अध्याय 12। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 12। अय्यूब सोपर को उत्तर देता है। तब अय्यूब ने कहा, निसंदेह मनुष्य तो तुम ही हो, और जब तुम मरोगे तब बुद्धि भी जाती रहेगी, परंतु तुम्हारी नाय मुझ में भी समझ है। मैं तुम लोगों से कुछ नीचा नहीं हूं। कौन ऐसा है जो ऐसी बातें न जानता हो? मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता था और वह मेरी सुन लिया करता था, परंतु अब मेरे पड़ोसी मुझ पर हंसते हैं। जो धर्मी और खरा मनुष्य है वह हंसी का कारण होता है। दुखी लोग तो सुखियों की समझ में तुच्छ जाने जाते हैं, और जिनके पांव फिसला चाहते हैं उनका अपमान अवश्य ही होता है। डाकुओं के डेरे कुशल क्षेम से रहते हैं, और जो परमेश्वर को क्रोध दिलाते हैं वह बहुत ही निडर रहते हैं, और उनके हाथ में परमेश्वर बहुत देता है। पशुओं से तो पूछ और वे तुझे दिखाएंगे, और आकाश के पंछियों से और वे तुझे बता देंगे। पृथ्वी पर ध्यान दे, तब उससे तुझे शिक्षा मिलेगी, और समुद्र की मछलियां भी तुझसे वर्णन करेंगी। कौन इन बातों को नहीं जानता कि यहोवा ही ने अपने हाथ से इस संसार को बनाया है? उसके हाथ में एक एक जीवधार का प्राण और एक एक देवधारी मनुष्य की आत्मा भी रहती है। जैसे जीभ से भोजन चखा जाता है, क्या वैसे ही कान से वचन नहीं परखे जाते? बूढ़ों में बुद्धि पाई जाती है और दीनी लोगों में समझ होती तो है। परमेश्वर में पूरी बुद्धि और पराक्रम पाए जाते हैं, युक्ति और समझ उसी में है। देखो, जिसको वह ढा दे वह फिर बनाया नहीं जाता, जिस मनुष्य को वह बंद करे वह फिर खोला नहीं जाता। देखो, जब वह वर्षा को रोक सकता है तो जल सूख जाता है, फिर जब वह जल छोड़ देता है तब पृथ्वी उलट जाती है। उसमें सामर्थ्य और खरी बुद्धि पाई जाती है। धोखा देने वाला और धोखा खाने वाला दोनों उसी के हैं। वह मंत्रियों को लूटकर बंधुआई में ले जाता है और न्यायियों को मूर्ख बना देता है। वह राजाओं का अधिकार तोड़ देता है और उनकी कमर पर बंधन बांधवाता है। वह याजकों को लूटकर बंधुआई में ले जाता और सामर्थियों को उल्टा देता है। वह विश्वासयोग्य पुरुषों में बोलने की शक्ति और पुरनियों से विवेक की शक्ति हर लेता है। वह हकीमों को अपने अपमान से लादता है और बलवानों के हाथ ढीले कर देता है। वह अंधियारे की गहरी बातें प्रकट करता है और मृत्यु की छाया को भी प्रकाश में ले आता है। वह जातियों को बढ़ाता और उनको नाश करता है। वह उनको फैलाता और बंधुआई में ले जाता है। वह मनुष्य के मुख्य लोगों की बुद्धि उड़ा देता और उनको निर्जन स्थानों में जहां रास्ता नहीं वहां भटका देता है। वे बिन उजियाले के अंधेरे में टटोलते फिरते हैं, और वह उन्हें ऐसा बना देता है कि वे मतवाले की नाई डगमगाते हुए चलते हैं।